ये अच्छा है कि मुझे छोटा अंडा मिला। अंडा इतना बड़ा क्यों है? कितना बुरा। ऐसा लगता है कि बेटा बहुत बदकिस्मत है। हंसना बंद करो, चलो केसी अपना अंडा खाओ। नहीं एलेक्स चलो। अच्छा ठीक है, मैं ये अंडा खाऊंगा। मैं काटने की कोशिश करता हूँ, कुछ काम नहीं करता। मैं देखो नहीं हो रहा है। सुनो मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है एलेक्स, ये लो पकड़ो। हाँ धन्यवाद केसी। तो चलते हैं। अरे नहीं कितना घिनौना है। बड़ी जल्दी मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। तुम्हें अपना चेहरा देखना चाहिए एलेक्स। चलो अपना अंडा खाओ केसी। आसान है, देखो मेरे पास क्या है। उसके पास क्या है? ठीक है, पहले मुझे सब कुछ तैयार करने की जरूरत है। और अब एक फ्राइंग पैन में अंडे को तोड़ना और फिर फ्राई करना है। हो गया, बढ़िया तले हुए अंडे तैयार हैं। वाह बहुत अच्छा, अब खाने का समय है। यह कितना स्वादिष्ट है। खैर अब तुम्हारी बारी है बीचा। अरे नहीं। अंदर क्या है? तो यहाँ गंभीर कार्रवाई की जरूरत है। आउच, ओह, ओह। वाह, कितना अच्छा। यहाँ मुझे सुरक्षा के लिए कुछ चाहिए। वह क्या करने वाली है? ओह, ओह, ध्यान से। अरे चलो देखो कि अंदर क्या है। वाह, अरे सावधान रहो। अरे वाह इतने सारे स्वादिष्ट चीज एक साथ, बहुत खाना है। वीटा कम से कम एक यमी ट्रीट हमारे साथ शेयर करो प्लीज। अच्छा ठीक है रुको। ओके यह लो। वाह ओ कितने स्वादिष्ट ट्रीट्स हैं। वाह मेरे पास कितना बढ़िया सीरियल है। बस अविश्वसनीय, ये बहुत बड़ा है। ऐसा लगता है तुम्हारी किस्मत खराब है बेटा। हे तुम्हें जितना हंसना है हंस लो। ओह ये बहुत अच्छा लगता है। केवल एक? खैर कोई बात नहीं, मेरे पास अभी भी दूध है। एक बूंद, सिर्फ एक बूंद। क्या दुर्भाग्य है बेचारी बेटा। चलो अपना कॉर्नफ्लेक्स खाओ एलेक्स, मैं इसके लिए तैयार हूँ। वाह यम 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 यम। और अब दूध पीता हूँ। हाँ वाह मुझे भी भूख लग रही है। और अब एक बार में। वाह कितना बढ़िया, कितना लालची है। अब इतना स्वादिष्ट नहीं लग रहा है। वाह ये बहुत अच्छा था। केसी अब तुम्हारी बारी है। All right. मैं इतना दूध कैसे पी सकती हूँ? मेरे पास एक आइडिया है। सारे कॉर्नफ्लेक्स एक बाउल में डालते हैं। हाँ ओह केसी के पास कितने सारे कॉर्नफ्लेक्स हैं। बहुत अच्छा, सीरियल की बारिश। वाह पकड़ो कॉर्नफ्लेक्स पकड़ो। सुपर, और अब थोड़ा दूध डालती हूँ। कितना अच्छा लग रहा है। वाह अद्भुत। और अब खाने का समय है। ये कितना स्वादिष्ट लग रहा है। मुझे जानना है ये कब तक ये सब खाएगी। मेरे फनी पॉनीटेल को देखो। मैंने आखिरकार सब खा लिया। क्या हुआ?
लगता है आखिरकार कोई खाना खत्म कर लिया। ओ, मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। कितना प्यारा सा केक है। वाह, कितना बड़ा स्वादिष्ट कूल केक है। बेटा देखो केसी के पास क्या है। वाह, कितना अच्छा। क्या कमाल का केक है। ओ, तुम्हारे पास कितना छोटा केक है एलेक्स। हाँ, एलेक्स के पास बहुत छोटा केक है। हंसो हंसो और मैं खाना शुरू करता हूँ। और मेरे पास एक कांटा और चाकू भी है। देखो, बिल्कुल सही साइज का। अब इसे खाता हूँ। बहुत स्वादिष्ट। ये बहुत ही स्वादिष्ट है, लाजवाब। चलो बेटा, तुम्हारी बारी है। तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब खाना शुरू करती हूँ। कितना स्वादिष्ट है, असली ट्रीट। ओह, वो कितनी लापरवाही से खाती है। मैं ये सब खाना चाहती हूँ। हाँ, वो पूरी नीली हो गई है। अरे, तुम किस पर हंस रहे हो? बेहतर होगा कि तुम अपना केक खाओ केसी। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ। ओह, मैं इसे नहीं देख सकता। कितना स्वादिष्ट है। केसी सावधान। नहीं, तुम्हारे चेहरे के साथ क्या है? हाँ, अरे नहीं। ओह, अपने केक के साथ गिर गई। ओह, सब ठीक है। आउच। और मैं इसको अभी भी खा सकती हूँ। मैं भी खाना चाहता हूँ। मिया के पास बॉक्स क्यों है? अंदर क्या है? दिलचस्प। मेरे विचार से भी बेहतर निकला। क्या यह कार की सजावट है? अरे, यह अच्छा लग रहा है। और यह टुकड़ा यहाँ, बहुत अच्छा। और निश्चित रूप से गुलाबी डिस्क। अब होड इतना नरम है, यही मुझे चाहिए। पूरी कार गुलाबी होगी। ओह, देखो मेरे पास कितना बड़ा बाऊ है। बस मजाक कर रही हूँ, यह कार के लिए है। खैर, सुंदर पलकों के बिना एक राजकुमारी क्या है। और सुंदर होंठ, यहाँ देखो दोस्तों, यह कितना अद्भुत निकला। वो ऐसा नहीं कर सकती है। मेरी खराब कार खराब नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं अब सब कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करूँगा। ओह, धन्यवाद, तुमने मुझे डरा दिया। तो यहाँ सब कुछ है जो मुझे चाहिए। चलो, एक रोलर और काले रंग से शुरू करते हैं। हम इसे पेंट में डुबोते हैं और चलो शुरू करते हैं। पूरी कार काली होगी। अरे हाँ, क्या अच्छा लग रहा है। बढ़िया, स्कल के साथ डिस्क और पायरेट के झंडे भी अच्छे रहेंगे। हो गया, यही मुझे चाहिए। हुड पर भी दो स्कल और निश्चित रूप से एक आई पैच, एक असली पायरेट कार। यह बिल्कुल सही है। क्या अच्छा रंग है, मेरी पसंदीदा लिपस्टिक। क्या? अरे, तुमने अपनी कार का क्या किया? तुमने मुझे कॉपी किया है। नहीं, यह मेरे खुद का डिजाइन है। खैर, अब मैं कुछ और बेहतर करूंगी। और यहाँ मेरी नई मैट है, बहुत नरम। यह कार को अंदर सजाने का समय है। कितना प्यारा। और बनी ईयर्स, मैं उन्हें स्टीयरिंग व्हील पर लगाऊंगी। डैशबोर्ड भी नरम होना चाहिए। और हैंड ब्रेक और गियर बॉक्स के लिए मेरे पास ये कवर है। हेयर पिन और गुलाबी क्यूब्स भी लगाना चाहिए। बिल्कुल सही। हाँ, क्या आपको यह पसंद है मिस्टर यूनिकॉर्न? तुम यहीं बैठे रहोगे। और मैंने बेल्ट को कितनी अच्छी तरह से सजाया है। अब मेरी कार एकदम सही है। ये अच्छा था। क्या मिया ने और डेकोरेट किया है? क्यों, क्या तुम जल रहे हो? तुम्हें जलना चाहिए। अरे हाँ, मेरे बैग में कुछ है। पीछे की सीटों के लिए पायरेट फ्लैग, मस्त। बढ़िया। और सामने वाले के लिए भी।
और स्टीयरिंग व्हील के बजाय मेरे पास एक असली स्टीयरिंग व्हील होगा। डैशबोर्ड के लिए एक छोटा पैरेट शेप और अधिक स्कल, आईने पर भी, और यहाँ मेरा पैसेंजर है। आप कैसे हैं कंकाल? ठीक है, मैं उसे बताती हूँ। एक मिनट रुको। अरे माइक, तुम्हारी कार में क्या है? यह क्या है? कंकाल बचाओ! मजा आ गया। हाई फाइव मिस्टर कंकाल। ओह कितना भयानक। क्या मजेदार वीडियो है। उसने उसे न्यूटेला में पूरा डुबो दिया। बढ़िया। क्या चार्ज जीरो पर है? ओ नहीं, हालांकि मुझे बैकपैक में देखना चाहिए, यह मेरे काम आएगा। मैं यहाँ रस्सी लटकाऊंगा और मैं इस पर एक टैबलेट लटकाऊंगा। अरे हाँ, यह अब एक असली फिल्म थिएटर है। क्या तुम्हें चिप्स चाहिए? वैसे तुम्हें कहाँ जाना है? मैं नहीं कर सकता, ये बहुत मजेदार है। तो इस तरह एक और फोटो। ओ हाँ, मैं अपनी कार में बहुत अच्छी लग रही हूँ। हम एक दूसरे के लिए एकदम सही है। बढ़िया। क्या माइक वहाँ क्या कर रहा है? क्या वह कंकाल के साथ वीडियो देख रहा है? कूल। हाँ, एक आइडिया। अब देखते हैं कि कूलर कौन है। मुझे बस जल्दी से शॉप जाने की जरूरत है। और यहाँ मेरा नया टीवी है, और अब मैं इसे अपने प्यारे गुलाबी डिक्की में फिक्स करने जा रही हूँ। बिल्कुल, यहाँ आओ प्यारे, मुझे तुम्हारे लिए जगह मिल गई है। बिल्कुल सही, पर असल में हमें उन जगहों की जरूरत है जहाँ से इसे देखना है। ये बीन बैग बिल्कुल सही है, कितना आरामदायक। अब केवल दोस्तों को कॉल करना ही बचा है। हेलो, यहाँ आओ, जल्दी करो, कुछ पॉपकॉर्न ले लो। लड़कियों देखो कितना मजेदार है। हाँ सच में एक बहुत अच्छा। यह कैसा शोर है? वे वहाँ किसी तरह की पार्टी कर रहे हैं? क्या वे बीन बैग पर फिल्म देख रहे हैं? ऐसा नहीं होगा, अब मैं उसे दिखाऊंगा। यह एक्सरसाइज करने का समय है। मैं अब अपने ट्रेनर को चालू करूंगी, और अब हमें एक योगा मैट फैलाने की जरूरत है। और चलो चलते हैं। वन और टू और वन और टू। हाय लड़कियों, चलो एक साथ करें। और वन और टू और वन और टू। बस ऐसे हम कोच के बाद दोहराते हैं। वहाँ क्या हो रहा है? क्या वे एक्सरसाइज कर रहे हैं? और मुझे ये बर्गर खाना बंद करना होगा। एक वजनदार बॉक्स, आखिरकार मेरे खेल के उपकरण इसमें है। मैं डंबल को ट्रंक में रखूंगा इस तरह से, और कैटलबेल भी ऐसे। अरे दोस्तों हाय, तुम लोग कैसे हो? ये एक्सरसाइज करने का समय है। हाँ बढ़िया, चलो मसल्स बढ़ाने के लिए लोहे को उठाएं। हम धीमा नहीं कर सकते हैं। अरे तुम क्यों पिछड़ रही हो? आराम मत करो। तुम कहाँ देख रही हो? चलो एक बार और। हेलो। मुझे लगता है उसने मुझे आंख मारी। हाय केट, तुम क्या कर रही हो? ओ वाओ, क्या लड़के हैं और क्या मसल्स हैं उनके। क्या हम उनके पास जा सकते हैं? हाँ चलो। हेलो। हाय लड़कियों। लड़कियों तुम क्या कर रही हो? ओ नहीं, मैं अकेली रह गई हूँ। ओ वे बहुत भारी हैं। लगता है लड़कियों ने मियाँ को छोड़ दिया है। यह गलत है, मैं कितनी अकेली हो गई हूँ। अरे मियाँ तुम क्यों रो रही हो? चलो मैं तुम्हारे साथ एक्सरसाइज करता हूँ। चलो चलो ठीक है, और तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। वाह कितना सुंदर है, मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है। और यहाँ हमारा चॉकलेट फाउंटेन है, क्या तुम इसके लिए लड़ने के लिए तैयार हो? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ कि यह आसान नहीं होगा। तुम्हें अपने हाथों को अपने पीठ के पीछे रखना होगा। बहुत बढ़िया, अच्छी शुरुआत। समय शुरू हो गया है, गुड लक। सबसे पहले हमें एक एयर ब्रश लेने की जरूरत है। यह उतना आसान नहीं जितना मैंने सोचा था। अब मैं ड्राइंग कर सकती हूँ। तुम अभी तक सोच ही रही हो, और हम काफी पहले से भी बना रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। मुझे लगता है कि मैं अच्छा कर रही हूँ। देखते हैं मियाँ कैसा कर रही है। बेस तैयार है, लेकिन मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, कुछ गड़बड़ है।
आइडिया। मुझे पता है कि वास्तव में एक सुंदर चित्र कैसे बनाया जाता है, बस एक मार्कर का उपयोग करने की आवश्यकता है। क्या तुमने देखा मैंने कितने अच्छे से कैप को हटा दिया था? बहुत अच्छा आइडिया मिया, इस तरह से तो तुम मुझे हरा ही दोगी। यह क्या था, जेनिफर क्यों गिरी? मैं बस अपने मार्कर कैप को हटाना चाहती थी। खैर मिया फिर मुझसे एक कदम आगे है, उसने सुंदर फाउंटेन बनाया है। अब मुझे क्या करना चाहिए? बिल्कुल, एक साधारण पंख मेरी मदद करेगी। अरे नहीं, मुझे छींक आ रही है। ओह, देखो मेरी ड्राइंग को क्या हो गया। वो पेंट में ढका हुआ है। जेनिफर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? केट तुम किस पर हंस रही हो? यह बहुत मजेदार है। मजेदार? मुझे ऐसा नहीं लगता। मिया तुमने मुझ पर पेंट क्यों छिड़का? यह वाकई मजेदार है। और अगर तुम्हारी ड्राइंग पर भी पेंट छिड़क दे तो और भी मजेदार होगा। जेनिफर तुम क्या देख रही हो? क्या तुम्हें भी कुछ ऐसा चाहिए? ओह, ऐसा लगता है कि समय खत्म हो गया है। तुम बहुत लकी हो। तो चलो देखते हैं कि किसने क्या बनाया है। मिया ने मेरी ड्राइंग बर्बाद कर दी। मुझे पता था कि आपको ये पसंद नहीं आएगा। मुझे डर है कि मेरा काम भी सबसे अच्छा नहीं होगा। सब जेनिफर की वजह से है। लड़कियों तुमने मुझे निराश कर दिया, यह अच्छा नहीं है। मुझे यकीन है कि आपको मेरा काम पसंद आएगा। सच कहो तो यहाँ चुनाव करने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है जेनिफर, तुम जीत गई, फाउंटेन तुम्हारा हुआ। वाह कितना बड़ा है। मुझसे ईर्ष्या करो दोस्तों, मैं काफी समय से इस चॉकलेट फाउंटेन को ट्राई करना चाहती थी और अब मेरा सपना सच हो गया है। Oh my God. हमें बस बैठकर यह नहीं देखना चाहिए, उसे चॉकलेट चुरानी होगी। चलो इससे पहले कि वो खुद सब कुछ पी ले। Awesome. एक शानदार विचार है मिया, स्वादिष्ट। अरे मेरी सारी चॉकलेट कहाँ गई? हमने सोचा कि हमें भी तुमसे थोड़ा लेना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा नया पुरस्कार प्रस्तुत करती हूँ, है ना ये बहुत प्यारा? अरे हाँ बहुत प्यारी है, इधर आओ दोस्त। अरे वाह क्या सरप्राइज है। क्या हमें पूप ड्रॉ करना होगा? मिया तुम बहुत स्मार्ट हो, शाबाश, चलो शुरू हो जाओ। ये अच्छा नहीं लग रहा है, मैं वास्तव में इसे ड्रॉ नहीं करना चाहती, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। वैसे भी कोई अन्य विकल्प नहीं है, इसके अलावा मुझे लगता है कि आसान होगा। खैर ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। लगता है कि मुंह से ड्राइंग करने से कहीं बेहतर है अपने पैरों से ड्रॉ करना। यह गंध कहाँ से आ रही है? छी मिया, बढ़िया है, मैंने पहले ही एक प्रतिद्वंदी का सफाया कर दिया है। अब ड्राइंग शुरू कर सकते हैं। यह बकवास न मिलने की मेरी संभावना हर सेकंड बढ़ रही है। ओह मिया तो ड्राइंग शुरू भी कर चुकी है और मैं अभी तक पेन भी नहीं पकड़ पा रही हूँ। हुर्रे आखिरकार हो गया, मैं जीत के बहुत करीब हूँ, चलो शुरू करती हूँ। ओह मेरा मार्कर खो गया, वो कहाँ है? अब मैं कैसे ड्राइंग करूंगी? मुझे बिल्कुल वही रंग चाहिए। ठीक है दूसरा शेड लेने की कोशिश करती हूँ। ओह फिर से मैं नहीं कर पा रही। वाह मिया का लगभग हो गया, समय समाप्त हो रहा है, रुको अपना काम दिखाओ। अरे नहीं मेरे पास कुछ भी करने का समय नहीं था, और मैं यहाँ पूरी तरह से तैयार हूँ। शायद आपको ये पसंद आए, यह बस ऐसे ही है। चलो देखे कि दूसरों के पास क्या है। मैंने बहुत कोशिश की है, मैं देख रही हूँ, बहुत अच्छा किया। क्या समय हुआ है? ऐसा लगता है जैसे मैं ज्यादा सो गई थी। ओ दिखाने का समय हो गया है, यह सही नहीं है। मुझे सब समझ में आ रहा है, केट हार गई। अरे नहीं गलती मेरी नहीं थी, मिया की वजह से मैं बेहोश थी। क्या मुझे इसे अभी खाना पड़ेगा? ओह ये कितना घिनौना लग रहा है, मुझे नहीं पता मैं इसे कैसे अपने मुंह में डालूं। मैं कम से कम चाटने की कोशिश करती हूँ। ओह कितना मीठा है, ये चॉकलेट पेस्ट है। मैं इसे सुबह से शाम तक खाने के लिए तैयार हूँ, स्वादिष्ट, लाजवाब। छी तुम ये क्या कर रही हो? बस करो हमें देखकर घिन आ रही है। तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि कितना स्वादिष्ट है। ओह मुझे उल्टी आ रही है। छी शायद तुम भी इसे खाना चाहती हो? नहीं। हेलो। और यह रही एक और प्यारी,
वाह कितनी सुंदर बिल्ली है, बहुत प्यारी। बैठ जाओ बेबी, जब तक लड़कियां अपना काम कर रही है हमें इंतजार करना होगा। वैसे तुम लोगों को इस बार सीधे अपने चेहरे पर ड्रॉ करना है, तो फिर शुरू हो जाओ। ये प्यारी बिल्ली मेरी होगी, बस तुम देखना हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। मुझे लगता है कैट मेकअप मुझ पर बहुत सूट करेगा। ये सफेद पेंसिल तो बेकार था, इसके बदले में नीला इस्तेमाल करना अच्छा रहेगा। देखो कितना चमकीला है, बिल्कुल जैसा चाहिए। चलो अब आँख की ओर ध्यान देते हैं। वाह तुम वास्तव में अच्छा कर रही हो, आशा करती हूँ कि ड्राइंग मुझ पर भी अच्छा लगे। वैसे भी तुम्हारे जीतने का कोई चांस नहीं है, इसलिए रिलैक्स, मैं आईने में देखकर ड्राइंग करूंगी। इससे कितना आसान हो गया, अब मुझे निश्चित रूप से कोई हरा नहीं पाएगा। वाह मैंने लगभग अपनी ड्राइंग पूरी कर ली है। जेनिफर तुम्हारा क्या हाल है? मुझे नहीं पता कि क्या होगा, पर वास्तव में मुझे यह प्रक्रिया पसंद है। और मुझे भी, क्यों पसंद नहीं होगा? तुम आईने में देखकर कर रही हो, ये सही नहीं है। तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? देखो क्या हो रहा है, ये सही नहीं है। हाँ वो तो है, हमें उसे सबक सिखाना होगा ताकि वह आगे से कोई नियम ना तोड़े। केट तुमने हमें ऐसा करने के लिए मजबूर किया है, माफ करना। नहीं ऐसा मत करो, रुको मिया प्लीज, मेरी ड्राइंग बर्बाद हो गई। ऐसा तुमने क्यों किया, आखिर मैंने कितनी मेहनत की थी। पर अब तुम आगे कभी नियम नहीं तोड़ोगी। ऐसा लग रहा है कि मिया अभी जीत को लेकर पहले से ही आश्वस्त है, मुझे यह पसंद नहीं है। हे मिया क्या मैं तुम्हारा ध्यान हटा सकती हूँ? मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा ड्राइंग किसी वजह से उतना अच्छा नहीं लग रहा है, पर परेशान मत हो मैं तुम्हारी मदद करूँगी, अब हम इसे ठीक करेंगे। ये क्या हो रहा है, तुम क्या कर रही थी? तो मैं कैसी लग रही हूँ, अच्छी ना? हाँ बहुत बेहतर, बिल्कुल अलग। मैं देख रही हूँ कि सभी तैयार है, ये बढ़िया है क्योंकि समय अभी समाप्त हुआ है। बेबी इधर मत देखो, वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है। और मेरा कैसा है? यह और भी बुरा है। क्या सच में? पर यह सब जेनिफर ने किया है, तुमने मुझे धोखा दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वहाँ क्या हो रहा है। ऐसा लगता है कि चुनने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, जेनिफर जीत गई है। अच्छा तो उसके पास जाओ। हुर्रे मैं जीत गई, मेरी प्यारी बिल्ली इधर आओ, मैं तुम्हें प्यार करूंगी, सहलाऊंगी। ओह मुझे इतनी छींक क्यों आ रही है? लगता है जेनिफर को बिल्ली के फर से एलर्जी है। ये अच्छा ही है, हम ये प्यारी बिल्ली को ले सकते हैं। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, जाओ थोड़ा आराम कर लो। वाह इतने सारे सॉस, तुम्हें समझ आ गया है कि तुम्हें किस से ड्रॉ करना है, और अब समय आ गया तुम्हें दिखाने के लिए कि क्या ड्रॉ करना है। ओ बड़ी कच्ची मछली, मुझे नहीं लगता कोई इसे पाना चाहता है। तुम सबको इसे ना पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। तुम्हारे सामने सॉस है, सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं। मैं आखिरी तक लड़ने के लिए तैयार हूँ, तुम अकेली नहीं हो मिया। यह क्या हो रहा है? जेनिफर यहाँ देखो, तुम मेरे चेहरे पर कचरा फेंक रही हो। ओह माफ करना, मुझे नहीं लगा था कि ऐसे होगा, ये बहुत बुरा है। आशा करती हूँ कि तुम में से कोई मुझे आगे परेशान नहीं करेगा, यह ड्राइंग करने का समय है। चलो देखिए कि यहाँ क्या है। हाँ केचप, बहुत अच्छा लग रहा है, यह पेपर पर अच्छे से लग रहा है, शायद मैं इसका इस्तेमाल करूँगी। और मुझे तो पीला ज्यादा पसंद है, मैं इसके साथ शुरू करूँगी। देखो कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल जैसा होना चाहिए। वैसे इन्हें बनाने में बहुत अच्छा लग रहा है, अफसोस सॉस इतनी जल्दी खत्म हो गया, मुझे कोई और लेना होगा। यह मस्टर्ड एकदम सही रहेगा, थोड़ा अलग शेड है लेकिन मुझे यह पसंद है। और मैं बीच में केचप डालूंगी, बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन, कोई यह नहीं कह सकता कि यह बुरा है। वाह मिया की ड्राइंग लगभग तैयार है। हाँ मेरा ज्यादा काम नहीं बचा है, बस फिनिशिंग टच। लगता है मैं पीछे हूँ, मुझे जल्दी करना होगा। मैं जानती हूँ, मैं एक ही बार में सभी सॉस के साथ पेंट करूंगी, इससे मेरा समय बचेगा। लेकिन वे कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ, मुझे कम से कम थोड़ा टेस्ट करना होगा। बहुत स्वादिष्ट है, रुकना नामुमकिन है, मुझे और सॉस चाहिए, मुझे बहुत खाने का मन है। तुम क्या कर रही हो जेनिफर, अपने आप पर नियंत्रण रखो, नहीं तो तुम्हारे पास ड्राइंग करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। बस मेरा हो गया, अरे नहीं सारे बचे हुए सॉस मेरी ड्राइंग के ठीक ऊपर गिर गए, यह बुरा हुआ।
मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन समय समाप्त हो रहा है। ओह, मैं इसके बारे में पूरी तरह से भूल गई थी। बस रुक जाओ। स्वादिष्ट। अरे नहीं, मैंने कुछ भी ड्रॉ नहीं किया है। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? ये अच्छी बात नहीं है। मिया की ड्रॉइंग बहुत सुंदर है। मैं पक्का हार जाऊंगी। हालांकि ये अभी खत्म नहीं हुआ है। माफ करना, मेरी ड्रॉइंग पर सॉस गिर गया था। जबकि कोई देख नहीं रहा है, चित्रों को जल्दी से बदल लेना चाहिए। आओ देखें कि दूसरों के पास क्या है। ये मेरी मछली है। क्या ये वाकई खूबसूरत है? अब इसके बारे में क्या कहूँ? आपको मेरी ड्राइंग कैसी लगी? ये एक सादा कागज है। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे धोखा दिया गया है। जेनिफर ने चित्रों को अदला बदली की है। अब यह साबित नहीं हो सकता, तो तुम्हें मछली खानी पड़ेगी। मिया, अपने खाने का मजा लो। मुझे ये गंध पसंद नहीं है, भयानक बदबू आ रही है। अब तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम्हें यह खाना पड़ेगा। मेरे पास एक शानदार योजना है। क्या होगा अगर इस मछली को पकाते हैं? मुझे लगता है कि तब और भी स्वादिष्ट होगा। यह पता चला कि बर्नर को संभालना इतना आसान नहीं है। माफ करना जेनिफर, यह गलती से हो गया, लेकिन सच कहूँ तो तुम्हें वह मिला जिसकी तुम हकदार थी। अब बातें बहुत हो गई, चलो मेरी मछली को ठीक से पकाते हैं। वाह, कितना स्वादिष्ट लग रहा है। मैं इसे ना नहीं कहूंगी। अरे वाह, मैं भी इसे खाना चाहती हूँ। अब देर हो गई है, तुमने इस मछली को मुझ तक पहुँचाने के लिए काफी प्रयास किया। कितना मुलायम। कितने सारे गमी आंखें। तुम्हारे पास इतने सारे हैं और मेरे पास केवल एक गमी आंख है। ये सही नहीं है और ये बिल्कुल भी फनी नहीं है। ये जरूर केवल एक ही आंख है, लेकिन ये अभी भी बहुत स्वादिष्ट है। मिला परेशान लग रही है। मुझे लगता है कि वो मेरी शरारत से खुश होगी। मुझे आशा है कि वो उसे बहुत क्रूर नहीं लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ही मजेदार होगा। मिला, देखो मैंने क्या किया है। आह, इतना दर्द हो रहा है। मेरी आंख पर अब वह नहीं रही। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? इसे मेरे सामने से हटाओ। तुम क्या कर रहे हो? मेरा दम घुट जाएगा। मिला, जूली को तुम्हारी वजह से परेशानी हो रही है। वो सांस नहीं ले पा रही है। कितना स्वादिष्ट, कितना स्वादिष्ट है ये। लेकिन ये आग कहाँ से आई? कितना घिनौना। इतनी शरारतों के बाद एक स्वादिष्ट गमी आग। ये ठीक वही है जो मुझे चाहिए। ओके। बिल्कुल सही कह रही हो। मैं भी जल्द से जल्द अपनी कैंडी खाना चाहती हूँ। मेरी आंखों को देखो। एलेक्स, तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? मैं तुम्हारी आंख खाने जा रही हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं भी अपने सारे ट्रिक्स को खुद संभाल सकता हूँ। शायद तुम इसे मेरे साथ शेयर करोगे, प्लीज। और मेरे साथ भी, हम दोस्त हैं। दोस्त, कोई उम्मीद मत रखो, मैं वैसे भी तुम में से किसी को कुछ नहीं दूंगा। ये क्या हो रहा है? मुझे सब ज्यादा दिख रहा है। आंखों वाला एलेक्स। हर किसी के पास इतने सारे ट्रीट्स क्यों हैं? और मेरे पास केवल एक क्विक्स चॉकलेट बार है। आशा करती हूँ कम से कम स्वादिष्ट हो। मैं कोई डस्टबिन नहीं हूँ जो मुझ पर कचरा फेंक रही हो। तुम ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? तुम तो एक छोटे बच्चे की तरह व्यवहार कर रहे हो। मेरे पास एक आइडिया है कि चॉकलेट बार को कई स्वादिष्ट भागों में कैसे बांटा जाए। इसमें एक आरी मेरी मदद करेगी। आशा है कि एलेक्स फिर से नहीं रोएगा। ये लो ट्रिक्स। प्लीज हमें आरी से मत काटो। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही हूँ। ये आरी चॉकलेट बार के लिए है। क्या स्वादिष्ट चीज है। मेरे जीवन का सबसे स्वादिष्ट ट्रिक्स। अब चॉकलेट खाने की मेरी बारी है, लेकिन पहले मुझे रैपर से छुटकारा पाने की जरूरत है। अब खाना शुरू कर सकते हैं। स्वादिष्ट, बहुत ज्यादा स्वादिष्ट, लेकिन किसी चीज की कमी है।
क्या तुम जानते हो कि चॉकलेट किसके साथ अच्छी तरह से जाती है? दूध के साथ। मेरे चेहरे पर सब कुछ क्यों उड़ रहा है? मैं सोच भी नहीं सकती कि कॉम्बिनेशन कितना स्वादिष्ट है। चॉकलेट मिल्क ट्विक्स, एक असली चॉकलेटी जन्नत। मैं नहीं चाहती कि चॉकलेट कभी खत्म हो। तुम क्या देख रहे हो? एलेक्स, तुम भी खाना शुरू कर सकते हो। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। सिर्फ चॉकलेट बेशक स्वादिष्ट है, लेकिन उबाऊ है। उनमें से एक विशाल टावर बनाने बहुत ही अच्छा होगा, और उसे फिक्स करने के लिए न्यूटेला एकदम सही रहेगा। अरे वाह एलेक्स, हमें नहीं पता था कि तुम ऐसा टावर बना सकते हो। क्यों नहीं, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये टावर कुछ रिकॉर्ड बनाएगा। मैं वास्तव में चाहता हूँ कि हर कोई उसके बारे में जाने। लेकिन ये बहुत स्वादिष्ट है, हम इसे सिर्फ खाएंगे। तुम क्या कर रही हो? चावल क्यों हिल रहा है? तुम इसे बर्बाद कर दोगी। एलेक्स माफ करना, पर क्या करती, चॉकलेट बहुत स्वादिष्ट थे। कोई बात नहीं, हेलमेट ने मुझे बचा लिया, हालांकि टावर की स्थिति बुरी है। वाह, यहाँ चिप्स का पूरा पहाड़ है और सब मेरा है। तुम्हारे पास बहुत सारे चिप्स हैं, लेकिन मेरे पास बस एक छोटा सा चिप। मैं उसे ठीक से देख भी नहीं पा रही। इसे सिर्फ मैग्नीफाइंग ग्लास से ही देखा जा सकता है। सैंपल बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मुझे लगता है कि मुझे एक बहुत ही स्वादिष्ट चीज मिली है, पर अभी इसकी ठीक से जांच करनी होगी। बहुत स्वादिष्ट, पर बहुत कम। एलेक्स, अब तुम्हारी बारी है। आखिरकार मुझे बहुत भूख भी लग रही है। ऐसे चिप्स को ऐसे कौन बंद करता है कि कोई उसे खोल भी ना पाए? इसे बिना किसी चीज की मदद के नहीं कर सकते। अब यह हुई ना बात, अब मैं तुम्हें एक मास्टर क्लास दिखाऊंगा और तुम सीखना कि चिप्स कैसे खाया जाता है। स्वादिष्ट। चिप्स सही में अच्छा है। इस स्वादिष्ट खाने को अब मेरी बारी है। यम यम। सावधान, चोट लग रही है। माफ करना, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। चिप्स बहुत स्वादिष्ट है। बस करो। और मेरा हेलमेट मुझे बचाएगा। मुझे चोट महसूस नहीं हो रही है, लेकिन मुझे पता है कि हम उसे कैसे सबक सिखा सकते हैं। यह ट्रक इसमें हमारी सहायता करेगा। स्वादिष्ट, लेकिन ये बहुत कठिन है। ओ नहीं, ब्रोकली नहीं। मुझे कैसा अजीब बीज मिला है, और इसका स्वाद भी बेकार है। लेकिन मुझे पता है कि इसके साथ क्या करना है। अगर मैं एक बीज रोपूं और उसकी देखभाल करूं, तो वह निश्चित रूप से बहुत स्वादिष्ट चीज में बदल जाएगी। पौधा तुम लगा रही हो और भुगत हम रहे हैं। रोना बंद करो, इसके बढ़ने के लिए मुझे कब तक इंतजार करना होगा? तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? तुम्हारे पास निश्चित रूप से अपनी ब्रोकली से निपटने का समय है। इसे देखते ही मेरी तबीयत खराब हो जाती है। लग रहा है कि मैं कोई सड़ी हुई चीज खा रहा हूँ। इसकी महक भी अच्छी नहीं है। मुझे तुरंत अपना मुंह साफ करने के लिए कुछ चाहिए। रुको, मुझे बस बीज में डालने के लिए पानी चाहिए। एलेक्स, तुम बस समय पर हो। दोस्तों, कुछ हो रहा है, ये कांप रहा है। मुझे आशा है कि सुरक्षित है। जूली ने खुद ब्रोकली उगाई।
और फसल भी वैसे ही है, अब तुम्हें इसे खाना होगा। मैंने अपने सर पर मुसीबत ले लिया। तो कैसा है ये, स्वादिष्ट है ना? नहीं, ये बहुत खराब है, एकदम बेकार। और हंसना बंद करो मेला, अब तुम्हारी बारी है। नहीं, मैं ब्रोकली का एक पूरा गुच्छा नहीं खाना चाहती, शायद इससे छुटकारा पा सकते हैं। हे, देखो वहाँ मिकी माउस है। कहाँ? तुम कितने भोले हो। अब मेरे पास सभी ब्रोकली से छुटकारा पाने के लिए समय है। रुको, क्या तुम्हें लगता है कि तुम सबसे ज्यादा स्मार्ट हो? पर ऐसा नहीं है, खास तुम्हारे लिए मैं तुम्हारी सारी ब्रोकली को पकड़ लूंगा। मैंने सब खा लिया। अच्छा, और यह रहा जो तुम सबने फेंका था। ओह, और मैं तुम्हें अपना दोस्त समझती थी। दोस्त एक दूसरे को धोखा नहीं देते। तो बॉन एपिटी।